भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा से किसी भी पार्टी ने समझौता किया है जो क्षेत्रीय दल है उनसे, और हमने राजनीति की गरिमा और नीति नैतिकता सिद्धांत का पालन किया है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी जो कभी आरजेडी के गोद में बैठ जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर उछलकर बैठ जाती है, इसकी कोई नीति नहीं है और ये पॉकेट की पार्टी है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट की पार्टी है, इसका कोई मोरल नहीं रहा है। नीतीश जी ने जॉर्ज फर्नांडिस जी से इस पार्टी को जबरन हथिया लिया और उनकी जो बेइज्जती की वो सभी को पता है। शरद यादव जी का किस तरीके से अपमान किया ये कौन नहीं जानता है, और समता पार्टी तो उन्होंने शकुनी चौधरी जी से हथियाया था जबरन, और नीतीश जी का कोई मोरल नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पैरासाइट की तरह राजनीतिक परजीवी व्यक्ति है, और उनके प्रवक्ता अगर अनर्गल प्रलाप करें, भारतीय जनता पार्टी पर बोले, तो जदयू की हैसियत ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे वट वृक्ष वाली पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी पार्टी का एक लोकतंत्र है, एक तकाजा है, और नीतीश कुमार जी के पॉकेट की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी बनता है, लेकिन जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का कोई फैसिलिटेटर भी बन सकता है, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कद का, कैलिबर का, प्रोफाइल का व्यक्ति तो हमारे यहां मंडल अध्यक्ष भी मुश्किल से होता है। तो जदयू के लोगों को कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि सूरज को वो आईना दिखा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा से किसी भी पार्टी ने समझौता किया है जो क्षेत्रीय दल है उनसे, और हमने राजनीति की गरिमा और नीति नैतिकता सिद्धांत का पालन किया है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी जो कभी आरजेडी के गोद में बैठ जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर उछलकर बैठ जाती है, इसकी कोई नीति नहीं है और ये पॉकेट की पार्टी है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट की पार्टी है, इसका कोई मोरल नहीं रहा है। नीतीश जी ने जॉर्ज फर्नांडिस जी से इस पार्टी को जबरन हथिया लिया और उनकी जो बेइज्जती की वो सभी को पता है। शरद यादव जी का किस तरीके से अपमान किया ये कौन नहीं जानता है, और समता पार्टी तो उन्होंने शकुनी चौधरी जी से हथियाया था जबरन, और नीतीश जी का कोई मोरल नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पैरासाइट की तरह राजनीतिक परजीवी व्यक्ति है, और उनके प्रवक्ता अगर अनर्गल प्रलाप करें, भारतीय जनता पार्टी पर बोले, तो जदयू की हैसियत ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे वट वृक्ष वाली पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी पार्टी का एक लोकतंत्र है, एक तकाजा है, और नीतीश कुमार जी के पॉकेट की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी बनता है, लेकिन जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का कोई फैसिलिटेटर भी बन सकता है, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कद का, कैलिबर का, प्रोफाइल का व्यक्ति तो हमारे यहां मंडल अध्यक्ष भी मुश्किल से होता है। तो जदयू के लोगों को कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि सूरज को वो आईना दिखा।